भारत माता की, भारत माता की। हैदराबाद, सिकंदराबाद, मलकाजगिरी, चेवल्ला और भांगीर को अंदर की नमस्कार। आप सभी को ये पर्दा नीचे रख दो प्लीज। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में सुख रहे, समृद्धि रहे, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद रहे, आपका भाग्य बना रहे, सौभाग्य बना रहे, ईश्वर से यही कामना है। तेलंगाना अक्षय तृतीया एक बड़ा त्योहार होता है, इसके बावजूद भी आज मैं ये दूसरा कार्यक्रम तेलंगाना में कर रहा हूं और जिस प्रकार से लोग उत्साह उमंग के साथ जुड़ रहे हैं, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये आपका कमिटमेंट दिखाता है। साथियों, हैदराबाद तो स्पेशल है ही, ये वेन्यू भी और स्पेशल है। आप में से बहुत लोगों को याद होगा, 10 साल पहले यही एक विराट सभा हुई थी और एंट्री के लिए पैसे देकर के टिकट लेना पड़ता था और वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जो इस धरती से पूरे देश में निराशा को आशा में बदलने की आंधी चली थी। और आज फिर ये दृश्य, ये माहौल साफ दिखाता है कि तेलंगाना का मूड क्या है। तेलंगाना कह रहा है कांग्रेस नक्को, बीआरएस नक्को, एमआईएम नक्को, बीजेपी कोई वोट देंगे, बीजेपी को जिताएंगे। साथियों, मैं तेलंगाना में जहां जहां गया हूं, एक अभूतपूर्व क्रांति मैं देख रहा हूं। तेलंगाना के परिणाम पूरे देश में उत्साह भरने वाले परिणाम आने वाले हैं। साथियों, 4 जून के नतीजे अब बिल्कुल स्पष्ट है। 4 जून को देश जीतेगा। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? 4 जून को 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प जीतेगा और 4 जून को भारत के विरोधी हारेंगे। 4 जून को
आत्मनिर्भर भारत अभियान के विरोधी हारेंगे। 4 जून को सीएए कानून के विरोधी हारेंगे। 4 जून को यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोधी हारेंगे। 4 जून को वोट जिहाद की बात करने वाले हारेंगे। 4 जून को आर्टिकल 370 के समर्थक हारेंगे। 4 जून को ट्रिपल तलाक के समर्थक हारेंगे। 4 जून को भ्रष्टाचार के समर्थक हारेंगे। 4 जून को तुष्टिकरण के समर्थक हारेंगे। साथियों, हैदराबाद सॉल्यूशन सिटी है। यहां हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। आप मुझे बताइए, क्या भारत करप्शन जैसी प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ सकता है क्या? पूरी ताकत से बताइए, बढ़ सकता है क्या? बढ़ सकता है क्या? क्या भारत को लाखों करोड़ के स्कैम करने वाली पार्टियां आगे बढ़ा सकती है क्या? क्या यूथ की एस्पिरेशंस को इग्नोर करने वाली पार्टियां देश का भविष्य बना सकती है? क्या मिडिल क्लास के ड्रीम्स को कुचलने वाली पॉलिटिकल पार्टियां आपका भला कर सकती हैं? क्या हर प्रोजेक्ट में पहले करप्शन का पोटेंशियल खोजने वाली पार्टियां मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती हैं? तो ये काम कौन कर सकता है? 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 मोदी नहीं, ये आपका एक वोट कर सकता है। ये आपके वोट की ताकत है जो इन सारी समस्याओं का समाधान है। आपने बीजेपी को वोट, एनडीए को वोट दिया। भारत भी अपनी दशकों पुरानी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पर काम करने लगा। आज इसका परिणाम हम चारों तरफ देख रहे हैं। भारत आज डिजिटल पावर है। भारत आज फिनटेक पावर है। भारत आज स्टार्टअप पावर है। भारत आज 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत आज स्पेस पावर है। साथियों, ये तो मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है लूट लूट लूट। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है अपीजमेंट। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है डायनेस्टी फर्स्ट। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है आतंकवादियों पर नरमी। हमारे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं ना, मैं तो चाहूंगा कि हर परिवार अपने 18, 20, 22 साल के बच्चों के साथ बैठे और 10 साल पहले क्या हाल थे उसकी जरा चर्चा करें। शायद इन फर्स्ट टाइम वोटर जो आज से 10 साल पहले 8 साल, 10 साल, 12 साल के थे, उन्हें तो याद भी नहीं होगा 10, 11 साल पहले यहां दिलसुख नगर में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। कांग्रेस की सरकार में
पहले पूरे देश में ऐसी ही खबरें आती रहती थी। कोई परिवार रेस्टोरेंट में खाना खाने गया है, ब्लास्ट हो जाता है। कोई परिवार थिएटर में मूवी देखने गया है, ब्लास्ट हो जाता था। कोई परिवार बस से ट्रैवल कर रहा है, ब्लास्ट हो जाता था। आज कहीं से भी ऐसी खबरें आती हैं क्या? जरा इस तरफ से मुझे जवाब चाहिए, क्या ऐसी खबरें आती हैं क्या? उधर से जरा बताइए, ऐसी खबरें आती हैं क्या? ये बम ब्लास्ट किसने रोके? ये बम ब्लास्ट किसने रोके? ये बम ब्लास्ट किसने रोके? ये बम ब्लास्ट रोकने का काम आपने दिल्ली में एक मजबूत सरकार बनाई, मोदी को सेवा उसका अवसर दिया, तब जाकर के रुका है। लेकिन ये बात कांग्रेस और इंडी गठबंधन को पसंद नहीं आ रही है। देश में ये खून खराबा फिर से शुरू हो, इसके लिए कुछ ताकतें मोदी को हटाने में जुटी है। इसलिए मैं हैदराबाद से पूरे देश को सतर्क करना चाहता हूं, जो कोई अनजान पंजा आतंक को उसके साए में जीने के लिए देश को मजबूत कर दिया था, देश को मजबूर बना देता था, और इसलिए फिर से एक बार देश आतंकी लपट में आना नहीं चाहता है। साथियों, कांग्रेस हमेशा से एंटी मिडिल क्लास पार्टी रही है। आप याद कीजिए, जब ये सरकार में थे तो कैसी कैसी बातें करते थे। इनके एक नेता कहते थे कि मिडिल क्लास केयरलेस है, उनके नेता कहते थे कांग्रेस के, वो कहते थे कि जो आइसक्रीम पर पैसा खर्च करते हैं वो महंगाई की शिकायत क्यों करते हैं, याद है ना पुराने बयान। ये कांग्रेस के नेता सरकार में रहते ऐसे बयान देते थे। साथियों, इस बार भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मिडिल क्लास के लिए जरा सा भी विचार नहीं किया गया है। लेकिन ये लोग मिडिल क्लास की कमाई का एक्सरे करके उसे अपने वोट बैंक की और उनको बांटने की घोषणाएं डंके की चोट पर कर रहे हैं। साथियों, आप मुझे बताइए, आपकी जो संपत्ति है उस पर आपके संतानों का अधिकार है कि नहीं है? जरा मुझे सबके सब लोग बताइए, क्या आपकी संपत्ति पर आपके संतानों का अधिकार है कि नहीं है? क्या कोई सरकार आपकी संपत्ति छीन करके आपके संतानों का अधिकार छीन ले, ऐसी सरकार आपको मंजूर है? साथियों, कांग्रेस ये विचार करके चल रही है। साथियों, कांग्रेस की नस नस में रेसिज्म का जहर भी भरा है।
ये शाहजादे के उस्ताद अपने ही देश के लोगों को चीन का अफ्रीका का बता रहे हैं। शाहजादे के उस्ताद की माने तो आज सभी भारतीय नहीं बल्कि अफ्रीकी है। कांग्रेस देश को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ने वाली मानसिकता के साथ बोल रही है। ये लोग भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानते, इसलिए आपको कांग्रेस से इंडी अलायंस से बहुत सतर्क रहना है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि शाहजादे को ऐसे खतरनाक आइडिया ट्यूशन करके सिखाए जाते हैं और शाहजादे को ट्यूशन पढ़ाने वाले ने एक और बात कही है। वो कहते हैं कि राम मंदिर और रामनवमी मनाना गलत है। वो कहते हैं कि भगवान राम की पूजा आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भगवान राम का अपमान आपको मंजूर है? क्या पूजा करना गलत है? क्या क्या पूजा करना देशद्रोह है? क्या भारत को हमेशा विदेशी चश्मे से देखने वाली कांग्रेस को आइडिया ऑफ इंडिया का अंदाज ही नहीं है? आखिर क्या है आइडिया ऑफ इंडिया? आइडिया ऑफ इंडिया भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति का प्रतिबिंब है। आइडिया ऑफ इंडिया यानी सत्यमेव जयते। आइडिया ऑफ इंडिया यानी अहिंसा परमो धर्म। आइडिया ऑफ इंडिया यानी आचार परमो धर्म। आइडिया ऑफ इंडिया नहीं सत्यात परो धर्म। आइडिया ऑफ इंडिया एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। आइडिया ऑफ इंडिया वसुधैव कुटुंबकम। आइडिया ऑफ इंडिया सर्व पंथ संभाव। आइडिया ऑफ इंडिया अप दीपो भव। आइडिया ऑफ इंडिया बुद्धम शरणम गच्छामि। आइडिया ऑफ इंडिया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आइडिया ऑफ इंडिया परोपकाराय सताम विभूताय। इंडिया आइडिया ऑफ इंडिया जन सेवा ही प्रभु सेवा। आइडिया ऑफ इंडिया ईश्वर सर्वभूतानाम। आइडिया ऑफ इंडिया सर्व ज्योति के बीच समाना। आइडिया ऑफ इंडिया गॉड इज ग्रेट। आइडिया ऑफ इंडिया नर में नारायण जीव में शिव। आइडिया ऑफ इंडिया या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। आइडिया ऑफ इंडिया नारी तू नारायणी। आइडिया ऑफ इंडिया मां विद्विषा भाई। आइडिया ऑफ इंडिया मिच्छामि दुक्कड़म। और आइडिया ऑफ इंडिया अपि स्वर्णमय लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमें जन्म देने वाली ये धरती मुझे स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय है। ये भगवान श्री राम के ही तो बोल थे। ये आइडिया ऑफ इंडिया आज केवल
मान्यताओं तक सीमित नहीं है। ये आइडिया ऑफ इंडिया आज भारत की एक सशक्त पहचान है। ये आइडिया ऑफ इंडिया आज भारत की बुलंद आवाज है। और इसलिए आज आइडिया ऑफ इंडिया यानी इंटरनेशनल योग दिवस, आइडिया ऑफ इंडिया यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का विजन, आइडिया ऑफ इंडिया यानी विश्व के लिए वन सन वन अर्थ वन ग्रिड का विचार, आइडिया ऑफ इंडिया यानी चंद्रमा पर शिव शक्ति पॉइंट, आइडिया ऑफ इंडिया मतलब मदर ऑफ डेमोक्रेसी, आइडिया ऑफ इंडिया जस्टिस टू ऑल अपीजमेंट टू नन। जिन श्री राम से हमें ये प्रेरणा मिलती है उन्हीं प्रभु राम की पूजा को कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ बता रही है। साथियों, तुष्टिकरण के लिए कांग्रेस और उसकी जैसी सोच वाली पार्टियां कुछ भी कर सकती है। यहां हैदराबाद में भी MIM को इसलिए ही खुली छूट दी गई है। वोट बैंक न नाराज हो जाए इसी डर से ना तो कांग्रेस और ना ही PRS हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाना चाहती है। लेकिन अब बीजेपी ने हैदराबाद को इस खौफ से मुक्ति दिलाने की ठानी है। केंद्र सरकार ने तय कर दिया है कि हर साल 17 सितंबर को 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। भाइयों और बहनों, हिंदुओं को बांटो और अपने वोट बैंक को खुश करो, ये कांग्रेस की रणनीति है। इसलिए कांग्रेस SC ST BC से रिजर्वेशन छीनकर रिलीजन के आधार पर बांटना चाहती है। आपने सुना होगा कि शाहजादे के करीबी और चारा घोटाले के दोषी नेता ने क्या कहा, जेल से बाहर आए हैं और क्या बोल रहे हैं, वो कहते हैं मुसलमानों को रिजर्वेशन देना ही चाहिए। और फिर इतना ही नहीं, वो कहते हैं पूरा का पूरा रिजर्वेशन मुसलमान को देना चाहिए। ये लोग BC कोटा के रिजर्वेशन को खत्म करके रिलीजन के नाम पर रिजर्वेशन देना चाहते हैं। इसका बहुत बड़ा प्रभाव जो GHMC चुनाव में पड़ा था वो हम सब ने देखा है। जिन सीटों पर BC समाज का हक था वो उनसे छीन ली गई। कांग्रेस यही मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहती है। साथियों, तेलंगाना में जब से कांग्रेस सरकार बनी है तब से RR टैक्स की भी बहुत चर्चा है। AR तेलंगाना का और AR दिल्ली का, इन्होंने मिलकर हैदराबाद को तेलंगाना को ATM बना दिया है।
मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन डबल आर टैक्स पर यहां के मुख्यमंत्री खुद सफाई दे रहे हैं। साथियों, यहां हैदराबाद में तो ट्रिपल आर टैक्स का बोझ आपको उठाना पड़ता है, यहां एक आर रजाकार का भी है। ये रजाकार टैक्स कैसे काम करता है, ये ओल्ड हैदराबाद में दिखता है। कांग्रेस बीआरएस के समर्थन वाली मजलिस के सांसद वहां लंबे अरसे से है, लेकिन वहां बेसिक सुविधाएं तक नहीं है। साथियों, हैदराबाद में हर साल बारिश में चारों तरफ पानी भर जाता है, लेकिन बीआरएस हो या कांग्रेस, किसी ने भी आपकी परेशानियों को नहीं समझा। हर साल पब्लिक परेशान रहती है, इससे हेल्थ और एजुकेशन हर सर्विस उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। यहां पावर कट से लोग परेशान है। साथियों, बीजेपी तेलंगाना के तेज विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तेलंगाना को पहला एम्स किसने दिया, तेलंगाना को चार वंदे भारत ट्रेन किसने दी, तेलंगाना को सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी किसने दी, तेलंगाना में बंद पड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्री किसने चालू की, टर्मरिक बोर्ड किसने बनाया, एनटीपीसी का बड़ा बिजली कारखाना किसने बनाया, ये सारे काम बीजेपी की सरकार ने किए हैं। हमारी सरकार तेलंगाना को ग्लोबल कैपेबिलिटी के बड़े सेंटर के रूप में भी विकसित कर रही है। यहां एविएशन हब बन रहा है, एयरक्राफ्ट इंजन की दुनिया की सबसे बड़ी एमआरओ फैसिलिटी होगी। आत्मनिर्भर अभियान का लाभ भी तेलंगाना को मिलने जा रहा है। डिफेंस से लेकर बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में तेलंगाना के लिए आने वाले 5 साल तेज विकास के होंगे। हसन चेरापल्ली एलपीजी पाइपलाइन से भी इस क्षेत्र को काफी फायदा हुआ है। यहां युवाओं के लिए जॉब के, रोजगार के अनगिनत अवसर बन रहे हैं। साथियों, बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास इस मंत्र पर चलती है। ये बीजेपी सरकार है जिसने ट्रिपल तलाक के बहाने मुस्लिम बेटियों पर हो रहे अत्याचारों को खत्म किया है। ये बीजेपी की सरकार है जिसने स्कूलों में बेटियों के लिए अलग से लाखों शौचालय बनवाए, इससे मुस्लिम समाज की बेटियों को भी लाभ हुआ। 10 साल में बहनों को पहली बार टॉयलेट, गैस, पानी जैसी सुविधाएं मिली है। पहली बार उनको भी पक्का घर, मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। इसलिए हर मां बहन कह रही है, मातृशक्ति कह रही है, फिर एक बार। साथियों,
बीआरएस को दिया आपका वोट कांग्रेस को ही मदद करेगा और कांग्रेस को दिया आपका वोट भी केंद्र में सरकार नहीं बना सकता, इसलिए आपको भारी संख्या में भाजपा के पक्ष में कमल के निशान पर बटन दबा करके मतदान करना है। और भाइयों बहनों, क्या मेरा तेलंगाना मतदान के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है? सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकता है? ज्यादा से ज्यादा मतदान करा सकता है? इस चुनाव में भाजपा सभी लोकसभा सीट तो जीतने वाली ही है, लेकिन मुझे ज्यादा से ज्यादा पोलिंग बूथ जीतने हैं। क्या पोलिंग बूथ जिता सकते हैं? पोलिंग बूथ जिताएंगे? पूरी ताकत पोलिंग बूथ जिताने में लगाएंगे? भाइयों बहनों, इस चुनाव में सिकंदराबाद से मेरे साथी जी किशन रेड्डी जी, हैदराबाद से बहन माधवी लता, आप मलकाजगिरी से श्री एटला राजेंद्र, चेवल्ला से श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी और भुवनगिरी से डॉक्टर बुरा नरसैया गौड़, इन सभी साथियों को विजय बनाना है। बनाएंगे? ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे? अच्छा, मेरा एक काम करोगे? ये चुनाव वाला काम नहीं है, मेरा पर्सनल काम है, करोगे? ये मोदी का पर्सनल काम है, करोगे? इनमें से किसी का काम नहीं है, मेरा है, करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, करोगे? अच्छा, तो मेरा काम बहुत सरल है, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाइए, उन सबको मिलिए और उनको कहिए मोदी जी हैदराबाद आए थे, आप सबको नमस्कार कहा है, परिवार में सबको जय श्री राम कहा है, मेरा नमस्कार पहुंचाएंगे, मेरा जय श्री राम पहुंचाएंगे। जब परिवार के सब लोगों को मेरा नमस्कार पहुंचेगा, मेरा जय श्री राम पहुंचेगा, तो परिवार के हर कोई मुझे आशीर्वाद देंगे, और जब परिवार के हर व्यक्ति मुझे आशीर्वाद देता है तो मेरी ऊर्जा अनेक गुना बढ़ जाती है और मैं उसे आपकी सेवा अधिक क्षमता के साथ कर सकता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।